बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग मसाला फिश फ्राई रेसिपी, इसे आप खाकर खुद कहेंगे ज़बरदस्त स्वाद, ऐसा भुला न पाए। इसको एकदम अलग तरह से प्रिपरेशन किया है, एकदम डिफरेंट रेसिपी है, इसे आप हमारे तरह से बनाकर खा लेंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और अलग तरह से मसाला फिश फ्राई बनाना सीख जाएंगे। इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल सकीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपी, मसाला फिश फ्राई बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान, तो ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। मसाला फिश फ्राई बनाने के लिए हमने 1 kg फिश लिया है, फिश को अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है, इसे मैरिनेट कर लेते हैं। फिश को मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच दही ऐड करते हैं। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। चार चम्मच बेसन ऐड करते हैं। दो चम्मच मक्के का आटा ऐड करते हैं। इसे फिश क्रिस्पी और कुरकुरी स्वादिष्ट बनती है। 1 चम्मच अजवाइन ऐड करते हैं। अजवाइन को हाथ से मसल लेते हैं अच्छे से, इससे फ्लेवर अच्छा आता है फिश में। 2 स्वादानुसार नमक ऐड करते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर ऐड करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं। सभी मसालों को फिश में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ की सहायता से मछली में अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं, जिसे ऊपर नीचे अच्छे से लग जाए। मछली जितनी अच्छे से मैरिनेशन होगा, मछली उतनी अच्छी क्रिस्पी और कुरकुरी स्वादिष्ट बनेगी। मछली को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। फिश में मसाले लगाकर 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे मसाले अच्छे से फिश में एब्जॉर्ब हो जाए। 1 घंटे हो चुके हैं, खोलकर चेक करते हैं, फिश अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इंडक्शन ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल के रखा था गर्म होने के लिए, मीडियम आंच पर। तेल गर्म हो गया है, फिश ऐड करते हैं। तेल में फिश ऐड करते हैं। फिश को पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। मैरिनेट की हुई फिश को मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, जिससे फिश बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। फिश फ्राई हो चुकी है, बहुत क्रिस्पी कुरकुरी बनी है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी बचे फिश को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी टेस्टी कुरकुरी मसाला फिश फ्राई बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। मसाला फिश फ्राई बहुत हेल्दी होती है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सकीना खान को इजाज़त।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।